दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं गेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 31 अक्टूबर 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज की तारीख में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है सभी अपडेट्स को हम वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम के अगले महामुकाबले को लेकर, जहां पर वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक भारतीय टीम ने काफी ज्यादा रोमांचक और शानदार परफॉर्मेंस किया है। जी हां, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे जहां पर भाई टीम इंडिया ने 6 मैच खेले हैं, 6 के 6 मैचों में वन साइडेड रोमांचक अंदाज से जीत दर्ज की, जिसके चलते फिलहाल पॉइंट्स टेबल में भी भारतीय टीम बिल्कुल टॉप पर हमें देखने को मिली है। और भाई साथ ही साथ यहां पर आपको पता है कि भाई यहां पर टीम इंडिया ने लगभग सेमीफाइनल्स में अपनी जगह को कंफर्म कर लिया है और वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम अपना 7वां मैच 2 नवंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलने वाली है। मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस शानदार मैच के आगाज से पहले मैच के रिगार्डिंग 2-3 बड़े बड़े अपडेट्स भारतीय टीम को लेकर निकल कर आ रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स के बारे में। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है हार्दिक पांड्या को लेकर। जी हां, हार्दिक पांड्या की इंजरी के ऊपर एक और नया अपडेट यहां पर बीसीसीआई ने रिवील किया, जहां पर भाई यह कंफर्म हो चुका है कि इंडिया वर्सेज श्रीलंका मैच में भी सिलेक्शन के लिए हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं होने वाली है, जिसके चलते मुसीबतें यहां पर जरूर थोड़ी सी बढ़ गई है। क्योंकि भी आपको पता है भाई थोड़ा सा यहां पर लोअर मिडिल ऑर्डर में दिक्कतें चल रही हैं। लेकिन दोस्तों जो बीसीसीआई की तरफ से रिपोर्ट है उसके मुताबिक ऐसा ही बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल्स तक ही भारतीय टीम में अपने स्क्वाड्स में कमबैक कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मैच में टीम इंडिया में होने वाले बदलाव को लेकर। जी हां, 2-3 बड़े चेंजेस हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं, जहां पर भाई ऐसा रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी भाई यहां पर इस मैच में डेफिनेटली रविचंद्रन अश्विन को भारत की प्लेइंग 11 में जगह मिलने वाली है। किसको बाहर किया जाएगा यह भी बड़ा सवाल होने वाला है। तो भाई सोर्सेज यहां पर ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि भाई हो सकता है कि भाई शानदार मैच में हमें कुलदीप यादव टीम इंडिया की तरफ से रेस्ट करते हुए नजर आए और भाई उनके जगह पर आपके रविचंद्रन अश्विन हमें प्लेइंग 11 में देखने को मिले। एक बड़ा बदलाव हमें बैटिंग डिपार्टमेंट में भी देखने को मिल सकता है, जहां पर भाई मतलब कुछ सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 से ड्रॉप किया जा सकता है, बाहर निकाल दिया जा सकता है, उनकी जगह पर यंग लेफ्ट हैंडेड वन ऑफ द बेस्ट मतलब करंट बेस्ट फॉर्म वाले खिलाड़ी ईशान किशन को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बड़े चेंजेस हमें यहां पर इस मैच में भारत की प्लेइंग 11 में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है वर्ल्ड कप 2023 की पॉइंट्स टेबल को लेकर। जी आप सभी को बताया कि वर्ल्ड कप में कल हमें एक बहुत ही रोमांचक महामुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच देखने को मिला। अफगानिस्तान ने फिर से अपसेट किया श्रीलंका को वन साइडेड बहुत ही बुरी तरह से राय जिस हार के बाद भाई सीरियसली वर्ल्ड कप 2023 की पॉइंट्स टेबल में हमें काफी सारे बड़े-बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। जी हां, इस मैच के बाद जो वर्ल्ड कप 2023 की नई पॉइंट्स टेबल है उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं, जहां पर भाई अफगानिस्तान की टीम को पॉइंट्स टेबल में बड़ा बेनिफिट हुआ है, श्रीलंकन टीम को यहां पर तगड़ा नुकसान हुआ है नीचे की तरफ। अब श्रीलंकन टीम यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। खैर दोस्तों सेमीफाइनल्स की टीम आपकी यहां पर लगभग कंफर्म हो चुकी है, टॉप 4 टीमें यहां पर सेमीफाइनल्स में क्वालीफाई करती हुई नजर आने वाली है। और अभी तक कुछ इस तरह की पॉइंट्स टेबल हमें वर्ल्ड कप 2023 की देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन सिनेरियो को लेकर के अभी भी कोई ऐसा रास्ता बचा है जिसके चलते पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर सकती है। आपको पता है पिछले 4 मैचेस में लगातार पाकिस्तान की टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद भाई यहां पर लगभग चांसेस खत्म इनके क्वालिफिकेशन के हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर मतलब काफी सारे लोग डाउट्स कर रहे थे, काफी सारे लोग पूछ रहे थे भाई किसी टाइप का कोई सिनेरियो बन रहा है, यदि वो टीम उसको हरा दे और भाई इस तरह से वो टीम अपने मैचेज
जीत जाए तो वही क्या पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा। तो दोस्तों ये मतलब जितने भी सीनेरियोज बनने थे ना, सभी सीनेरियोज पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान की टीम आज मतलब जब कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 की नीलामी को लेकर। जी हाँ, जैसे कुछ टाइम पहले हमें अपडेट्स देखने को मिले थे कि भाई हमें 18 या फिर 19 दिसंबर को दुबई में आईपीएल की नीलामी लाइव देखने को मिलेगी। मिनी ऑक्शन अब की बार होंगे। 15 नवंबर से पहले सभी टीमों को अपनी रिटेंशंस की लिस्ट जारी करनी है। लेकिन दोस्तों एक और बड़ी खबर यहां पर फाइनली आईपीएल की नीलामी के रिगार्डिंग निकल कर आ चुकी है, जहां पर कंफर्म हो चुका है कि 19 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से आईपीएल 2024 की नीलामी हमें लाइव देखने को मिलने वाली है। और अब की बार टीमों के पर्स बैलेंस में भी 5-5 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट होने वाला है। 100-100 करोड़ रुपए का पर्स यहां पर आईपीएल की फ्रेंचाइजी का फिलहाल बन गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आईपीएल की नीलामी का जो मतलब एक्साइटमेंट है वो सीरियसली थोड़ा चरम सीमा पर जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है न्यूजीलैंड की टीम को लेकर। यहां बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, खुशखबरी है न्यूजीलैंड के खेमे से। एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर फाइनल इस टीम के कैप्टन केन विलियमसन, केन मामा फाइनली रिकवर कर चुके हैं। भाई इस टीम का जो नेक्स्ट मैच होगा उस मैच में वो हमें प्लेइंग 11 में भी कमबैक करते हुए नजर आने वाले। वैसे में कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड टीम के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। जहां लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हमें देखने को मिली थी, जहां पर शायद पाकिस्तान की टीम चैंपियन बनी थी। तब से भाई अभी तक कोई चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर से कमबैक करने के लिए जा रही है, जहां पर आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि साल 2025 में हमें चैंपियंस ट्रॉफी देखने को मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको होस्ट करने वाले है, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम तो यहां पर होस्ट कंट्री डायरेक्ट क्वालिफाई करने वाली है। और वही जो टॉप 7 टीमें आपकी यहां पर वर्ल्ड कप 2023 में रहेंगी वो यहां पर डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी। जी हां, और भाई कहीं ना कहीं इंग्लैंड टीम का क्वालिफिकेशन काफी सीरियसली मुश्किल नजर आ रहा है। खैर दोस्तों एक दो सिनेरियो दिया जिसके चलते अभी भी आपकी इंग्लैंड की टीम टॉप 7 में आ सकती है। खैर दोस्तों यदि किसी भी टाइप का कोई भी अपडेट हमें देखने को मिलता है तो अपडेट आपको सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है लेजेंड्स क्रिकेट लीग 2023 को लेकर। जहां जोरों शोरों से फिलहाल तैयारियां चल रही हैं, 18 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच शानदार टूर्नामेंट हमें भारत के 5 अलग अलग स्टेडियम्स में देखने को मिलने वाला है। कार्यक्रम ऑलरेडी रिवील हो चुका है, सभी टीमों के फाइनल स्क्वाड्स भी ऑलरेडी यहां पर रिलीज हो चुके हैं। सभी टीमों में काफी सारे लेजेंड खिलाड़ी हमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आने वाली है। और वैसे में लाइव को लेकर फाइनल अपडेट निकल कर आ चुका है, जहां पर भारत में स्टार स्पोर्ट्स लेजेंड क्रिकेट लीग 2023 को लाइव करने वाला है। और भाई मोबाइल पर हम जियो सिनेमा ऐप पर इस शानदार टूर्नामेंट के लाइव प्रसारण का मजा उठा पाएंगे। तो दोस्तों आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, सभी खबरों के ऊपर आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।